नमस्कार, स्वागत है आपका मिड डे में और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज हवाई सर्वेक्षण है, जहां पर बताते चले कि सीमांचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे कर रहे हैं, बाढ़ राहत शिविरों का जायजा लेंगे। सीएम के साथ अधिकारी भी मौजूद है, तो लगातार सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और आज किशनगंज पूर्णिया का भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हालांकि सीमांचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे कर रहे हैं, बाढ़ राहत शिविरों का भी जायजा लेंगे, तो लगातार सीएम के साथ अधिकारी भी मौजूद हैं और नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और इस दौरान सीमांचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फोन पे मरगूब, लगातार सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, अगर बात की जाए तो आज किन किन जिलों को लेकर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं? देखिए मुख्यमंत्री, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, इन तीनों जिला का मुख्यमंत्री आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे बाढ़ग्रस्त इलाकों का। उसके बाद इन इलाकों में जो राहत शिविर है उस राहत शिविर का भी वो सड़क मार्ग से निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा, प्रधान सचिव संजीव हंस और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के साथ साथ कह सकते हैं कि सभी जिले के बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। जी, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री ये देखना चाहते हैं ग्रास रूट लेवल से करिश्मा, आखिर लोगों की परेशानी कितनी है और लोगों को सहायता मिल रही है नहीं मिल रही है। जी, लोगों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पशुओं को चारा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और मुख्यमंत्री का जो हवाई सर्वेक्षण है वो शुरू हो गया है। जी, सबसे पहले मुख्यमंत्री पूर्णिया में भी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, उसके बाद कटिहार में करेंगे। पूर्णिया में हवाई सर्वेक्षण के बाद वो सड़क मार्ग से ही पूर्णिया में कई बार राहत शिविर का दौरा करेंगे, वहां लोगों से फीडबैक और फिर अधिकारियों को निर्देश देंगे। उसके बाद वो कटिहार जाएंगे, वहां हवाई सर्वेक्षण होगा, वहां भी वो बाढ़ राहत शिविर का जायजा लेंगे और फिर अधिकारियों को निर्देश। तो फिलहाल मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो ये है कि कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी समझे और लोगों को जितना कम परेशानी हो परेशान हो उन्हें खाना मिले पीना मिले, उन्हें जो लोग वो कपड़ा नहीं है उन्हें साड़ी मिले, जो महिला कपड़ा नहीं है उन्हें साड़ी मिले। कल चूंकि मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बेगूसराय में साड़ियां बांटी थी, तो मुख्यमंत्री का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और फिर वहां से आने के बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग करेंगे जिसमें बाढ़ प्रभावित सभी जिला के डीएम होंगे और पटना से सभी बड़े अधिकारी होंगे और फिलहाल उसके बाद फिर राज्य सरकार एक आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगी कि किस तरीके से लोगों को सहायता पहुंचाएगा। तो फिलहाल कहा यही जा सकता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का दौरा आज भी बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री के दौरे के बाद फिलहाल इस पूरे मामले में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग के बाद एक आवश्यक निर्देश जारी होगा और फिलहाल बाढ़ पीड़ितों के लिए ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी सेंटर खोला जाए, और पशुओं को चारा मिले इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री चिंतित है और उसके बाद निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगभग 3 बजे दिन में पटना लौटेंगे और फिर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग करने के बाद फिर सभी जिले के जहाँ बाढ़ ग्रस्त इलाका को एक निर्देश जाएगा, उसी निर्देश के अनुसार उन्हें काम करने का आदेश होगा। जी बिल्कुल मरगो, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो लगातार सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर आज सीमांचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करेंगे, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया का भी निरीक्षण करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साहिबगंज दौरा है, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। वहीं गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, गोड्डा में 30 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम है। तो बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साहिबगंज दौरा है, जहां पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और जहां गोड्डा में 30 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गोड्डा दौरे पर रहेंगे और हालांकि गोड्डा में जो 30 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। तो वही गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जहां गोड्डा में 30 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों के क्षेत्रों का जाकर जायजा लेंगे, गोड्डा दौरे पर हैं। हालांकि गोड्डा में
30 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए साहिबगंज से हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फलांपी अरविंद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गोड्डा दौरे पर हैं, किस तरह की विशेष तैयारी और क्या कुछ कार्यक्रम? उनका गोड्डा है, टेसु बथान से है, वहाँ से कार्यक्रम के बाद वो साहिबगंज जिले के वो बरेट में आएंगे। बरेट में जो हाई स्कूल मैदान है वहीं पे हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पर वो कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद वो उनका मुख्य जो कार्यक्रम वो हवाई सर्वेक्षण है, जो भारत जो अभी सबसे बड़ी त्रासदी जिले के लिए बनी हुई है और लगातार क्योंकि जल स्तर बढ़ रहा है तो सबों के लिए जनता तो त्राहिमाम है, पदाधिकारियों के लिए परेशानियों का सबब है, तो मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद स्थिति जो दिख पड़ेगी जो बन पड़ेगी और समीक्षा बैठक के साथ तो समस्या समाधान के लिए बातचीत करेंगे। जी अरविंद, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ क्या कोई मंत्री अधिकारी गण भी मौजूद रहेंगे? जी जो अभी है वो आपदा सचिव, क्योंकि कल से ही वो यहाँ पर हैं, जिले में ही हैं, आपदा सचिव हैं, जल संसाधन सचिव हैं और जो जिले के पदाधिकारी वो मौजूद हैं, तो वो हैं। जहाँ तक मंत्री की बात है, अभी तक इस तरह की किसी तरह की आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है और यहाँ पर मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि नजर बनाए पंकज मिश्रा जी जो है वो सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, तो अंतिम जो होगा वो मुख्यमंत्री के आने के जो है वो स्थिति बन पाएगी की और कौन के साथ सर्वेक्षण में रहेंगे। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खगड़िया के कई प्रखंडों में बाढ़ की वजह से हजारों की आबादी प्रभावित हुई है और हर एक दिन नए क्षेत्रों में पानी घुस रहा है और मौजूदा हालत में स्थिति यह है कि खगड़िया में बाढ़ पीड़ित महिलाएं गंगा मां को मनाने और बाढ़ से मुक्ति पाने के लिए पूजा अर्चना कर रही है। सदर प्रखंड के रहीमपुर उत्तरी पंचायत के सहनी टोला की दर्जनों महिलाओं ने सामूहिक रूप से मां गंगा की पूजा की। सुगंधित धूप के साथ घी के दिए जलाकर मां गंगा की आरती की गई और इतना ही नहीं, भक्तिभाव में डूबकर महिलाओं ने लोकगीत भी गाए ताकि बाढ़ से उन्हें निजात मिले। सब आदमी परेशान छथिन, हमे लोग घर द्वार डूब डाब गए, खाय नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले, सब दहाय भसाय गए। अगरबत्ती जलेलिए, फूल चढ़ेलिए, मिश्री चढ़ेलिए, तुलसी चढ़ेलिए। की कहलिए गंगा माई के? कहलिए कि गंगा माई अले है, चल जा बढ़िया से। समस्तीपुर में गंगा नदी इन दिनों पूरे उफान पर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण समस्तीपुर जिले के मोदीनगर, मोहनपुर और विद्यापति नगर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। मोहनपुर प्रखंड के अधिकांश पंचायतों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन के अनुसार कम्युनिटी किचन, नाव, सेट प्लास्टिक, चापाकल, मेडिकल की टीम और तमाम सुविधाएं की गई है, लेकिन मोहनपुर प्रखंड के जौनपुर में हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार और पशुओं को लेकर जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि अब तक किसी तरह की मदद नहीं की गई है, 10 दिनों से घरों में पानी भरा हुआ है। चार दिन खाना हो गया हमको और क्या, कुछ नहीं। कितने दिन से? कितना? चार दिन खाना हो गया है। क्या खाते? क्या खाते? कोई इतना देता, चिड़ा पावर देता है, फाक के रहता है बाल बच्चा। झोला में हाँ पावर, कोई चिड़ा दे देता है सर, कोई फाक के रहता है बाल बच्चा, अब क्या खाएगा? पानी पूरा हो रहा है सर, अब क्या करेंगे? हम पन्नी की न व्यवस्था है, मेघ पड़ता है, मेघ मेरे बाल बच्चा के लेकर बैठते है, समय कटते है, अब क्या होगा? कटिहार के आधा दर्जन से ज्यादा प्रखंड बाढ़ की चपेट में है। सर्वाधिक प्रभावित इलाका बरारी प्रखंड है, जिसके कई पंचायत ग्रामीण बाढ़ की विभीषिका को झेलने को विवश है। सुबह के मुखिया का भी संभावित दौरा बरारी में होने वाला है। ग्रामीण इलाके के लोग ऊंचे स्थान पर शरण लेने को विवश है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से एक सूखा राशन, पॉलिथीन, अशुद्ध पेयजल, दवाई लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे है जो इन सुविधाओं से महरूम है। सुखासन पंचायत का 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर का बहुत गंभीर हालत है, तो सब बांध उन में सब जगह घर बड़ी सब डूब गया है, तो सब अभी रोड में आ गया बांध पर, तो बहुत गंभीर हालात है। तो सरकार को यही बोलने चाहते हैं जो उन लोग को व्यवस्था करा जाए पन्नी उन्नी का,
और राशन का भी व्यवस्था करा जाए, बहुत कष्ट हो रहा है। कैसे जी रहे लोग, आप लोग कैसे जी रहे? हम लोग को जानता है, कभी कभी मदद करता है, वही मदद का हिसाब से जानता है, तो हम तो जो होगा। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने के बाद दानापुर दियारा के 6 पंचायतों में पानी घुस गया है। लोग पलायन कर दानापुर के बलदेव स्कूल में बनाए गए बाढ़ राहत केंद्र में पहुंच रहे हैं। दियारा के लोग जानवरों के साथ पलायन करने को मजबूर है और बाढ़ राहत केंद्र में रह रहे ग्रामीणों की माने तो यहाँ पर हर तरह की सुविधा सरकार की तरफ से मिल रही है। खाने पीने की समुचित व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है और साथ ही छोटे बच्चों के लिए दूध की भी व्यवस्था की गई है। चावल और सब्जी भी? हाँ, सब्जी दाल भात। कोई दिक्कत यहाँ कुछ? दिक्कत अब दिक्कत है तो हमने कब दिया के का पर दिखते हैं तब मंजूरी में आई है जा। दिक्कत है सर कि हम लोग बाढ़ में आए हैं, घर द्वार रह गया, हम लोग को मकान बना बन जाता तो उधर अपन दियर में रहते। अभी यहाँ पर आए हैं तो यहाँ कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। खाने पीने का? हाँ, खाने पीने का सब सुविधा है। सुविधा है, जानवर को खाना उना मिल रहा है? हाँ, सब खाने पीने की सुविधा। भागलपुर में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। सांसद गोदलिए गांव इस्माइलपुर की स्थिति यह है कि गंगा ने गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस्माइलपुर रिंग रोड ध्वस्त हो चुका है, थाना अस्पताल प्रखंड कार्यालय के अंदर पानी भर गया है, घर में अब सूखा राशन खत्म हो गया है, समुदाय किचन भी बंद हो गया है, इलाके में बिजली तक की व्यवस्था नहीं और ना ही पेयजल और शौचालय का इंतजाम किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने 17 अगस्त को हवाई सर्वेक्षण किया था। नहीं लाव छे, नहीं कोई व्यवस्था छे, देखा जो मैं जा रहा छी है रिंग बना पर रिंग बांध का मैं बहुत कठिन गलो छी, परेशानी छी ये इसनी चीज और सब ताव नहीं दे छे, मानी घर से छे लाव वो नहीं दे रहा छे हमरा से ना डॉक्टर ने टोपी है बैठिक जावे छो नाव नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। अच्छा, सरकारी नाव सुविधा नहीं मिल रहा? कुछ कहीं नहीं। खाना पीना मिले? खाना वाना भी नहीं मिले। तो फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, जल्द लौटेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जिले के कई बाढ़ शिविरों का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित लोगों से उनका हाल जाना और इस दौरान वे सबसे पहले मुंगेर की सीमा पर बने बाढ़ राहत केंद्र का जायजा लिया। इस कैंप में करीब 800 बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे हैं। ललन सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई का भी निरीक्षण किया। बता दें कि इस समय मुंगेर जिले के 5 प्रखंडों के 33 पंचायत के करीब 1,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ पीड़ितों के लिए करीब 26 जगहों पर राहत कैंप चलाए जा रहे हैं। हाँ सर, सही तो है, बाकी थोड़ा नाव का प्रॉब्लम है, कटाव उटाव लगा है सर, जितना निकल यहाँ पे सब कुछ मिल गया, खाना उना मिलता है? हाँ, खाना तो मिलता है सर, बाकी दोनों टाइम चावल नहीं मिलता, हम लोग को बहुत परेशान होता है। अगर बाढ़ ग्रस्त होता है ये कोई नई बात नहीं है, हर साल की बात है, लेकिन जो प्रशासन के स्तर पर सामुदायिक किचन चलाने का और लोगों को राहत शिविर में रखने का ये व्यवस्था हम देख रहे हैं और ये व्यवस्था मुझको लगता है कि बहुत ही बेहतर ढंग से चलाएगी, क्योंकि अभी तक जितने लोग यहाँ हैं 800 लोग हैं इस शिविर में, किसी ने कोई शिकायत नहीं, लोग अपना अपना आटा और ये सब प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, लोग खुद से रोटी बना। मुंगेर में बाढ़ प्रभावित को यानी बीच सूखा राशन बांटने के लिए 3,000 पैकेट तैयार किए गए हैं। राशन का पैकेट वार्ड दियारा और बरियारपुर और खड़गपुर के बाढ़ प्रभावितों के बीच बांटा जाएगा। मुंगेर में 33 पंचायतों के लगभग 1,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए 20,000 पैकेट सूखा राशन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल मुंगेर में दिन प्रतिदिन बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने 3,000 सूखा राशन का पैकेट तैयार करवाए हैं।
पैकेट में 2.5 किलो चूड़ा, 1 किलो चना, 1 किलो चीनी और हेलोजिन की गोली, मोमबत्ती, दिया और सलाई है। मशीनरी, जिला प्रशासन पूरी मशीनरी लगी हुई है, बाढ़ राहत आपदा में जो लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ में उनको राहत पहुंचाने में, और निश्चित रूप से जिला प्रशासन और हमारे पुलिस प्रशासन और सभी लोग इसमें अच्छा कर रहे हैं। सर अभी कितने लोगों को ये पैकेट देना है सर, कौन कौन लोगों को देना है सर? अभी फिर ये 3000 पैकेट जो है ये यहाँ से निकल रहा है, जिसमें कुछ लोकल्स हमारे जो वार्ड के लोग हैं उनको देना है, और दियारा क्षेत्र के कुछ लोग हैं, इसके अलावा हमारा बरियारपुर क्षेत्र और खड़गपुर क्षेत्र वहाँ पर कुछ वितरित किया जाए। इसमें 2.5 केजी चूड़ा है हमारा, 1/2 केजी चना है, 1/2 केजी चीनी है, इसके अलावा हेलोजन की टैबलेट गोली है, और मोमबत्ती हम लोग देते हैं, मोमबत्ती और दिया सलाई जहाँ हो सकता है वहाँ वो देते हैं। जो SOP है आपदा विभाग का जो SOP है उसके अनुसार हम लोग वितरित कर रहे हैं। पूर्णिया में खजांचीहाट थाना क्षेत्र के कोर्ट स्टेशन के समीप पैसों के लेन देन को लेकर अपराधियों ने प्राइवेट ऑफिस में घुसकर युवक को गोली मार दी। घायल युवक की पहचान भागलपुर मिर्जानहाट निवासी उमेश सिंह के पुत्र अभिनव कुमार के रूप में हुई है। घायल ने कहा कि आर्य गो कैब ऑफिस में टैक्सी बुकिंग का काम कर रहा था। शाम के 7 बजे सन्नी झा से एक युवक ऑफिस में पहुंचा और पूछा सोनू कौन है। जब युवक ने अपना परिचय दिया तो अपराधियों ने कमर से हथियार निकालकर दनादन गोली चला दी, जिसमें युवक को एक गोली दाहिने हाथ के बांह में लगते हुए सीने में फंस गई। घायल सोनू का कहना है कि राहुल और पीयूष दोनों आर्य गो कैब ऑफिस में काम करते थे। राहुल और पीयूष के पास पैसा बाकी था, जिसके कारण 3 माह से पैसा नहीं देने को लेकर लड़ाई चल रहा था। राहुल पीयूष और आरोपी सनी झा में गहरी दोस्ती थी, और यानी राहुल और पीयूष ने सनी की मदद से गोली चलवाई है। हम पहचान गए थे कि सन्नी सन्नी आइए बैठिए, बोले फिर पूछा सोनू भैया, बोले हमें है सोनू बैठे, जैसे बोले कि हम ही है सोनू, तुरंत निकाला पुस्तक सामने मारा, लेकिन सामने वाला नहीं लगा, फिर 2-3 फायरिंग वो भी नहीं लगा, फिर हम झोंक के नीचे बैठ गए, जब बैठे तो जो मार दिया बैठने का। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से साहिबगंज में बाढ़ की विभीषिका बढ़ती ही जा रही है। जिले के दर्जन गांव और जिला मुख्यालय के कई मोहल्ले अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जनता त्राहिमाम में है। इन क्षेत्रों में चारों ओर जलमग्न की स्थिति हो जाने से पशु चारा की भी काफी किल्लत हो रही है। वही मंगलवार को राज्य के बाढ़ आपदा सचिव अमिताभ कौशल ने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगना के ज्योतिषी कार्यक्रम के तहत आज दोपहर बाद साहिबगंज के बरेट हाई स्कूल मैदान में हेलीकॉप्टर से आएंगे और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा भी करेंगे, और साथ ही जिले के राजमहल, उदवा और साहिबगंज सदर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। जिले के पाल बढ़िया मैदान में भी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, और इसके बाद पटना स्थित अपने आवासीय कार्यालय में आज उनका रात्रि विश्राम होगा। हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, उसका वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे, और इसके बाद यहाँ के जिला प्रशासन के साथ बैठक कर बात कर उसका रूपरेखा तय। पटना से खबर। 29 अगस्त को JDU राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जहाँ से नीतीश भी इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सांसद और जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी। ललन सिंह की विधिवत ताजपोशी भी होगी। तो बड़ी खबर, तो अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फोन पे अशोक जी, 29 अगस्त को JDU राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल होंगे,
क्या है जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल देखिए, करिश्मा जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक 29 अगस्त को पटना में बुलाई गई है और इस बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के अलावे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह समेत जदयू के जितने भी सांसद विधायक पार्टी के एमएलसी और जिला अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा दूसरे राज्यों के भी जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी शामिल होंगे। असल में पिछले 31 जुलाई को ललन सिंह की को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में ही यह प्रस्ताव पारित हुआ था और ललन सिंह के नाम का प्रस्ताव आरसीपी सिंह ने दिया था और ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। लेकिन जदयू के जो राष्ट्रीय परिषद है उसमें विधिवत अभी तक ललन सिंह को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उस पर मुहर नहीं लग पाई है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक 29 को अगस्त को बुलाई गई है पटना में और इस बैठक में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला लिया है उस फैसले पर मुहर लगेगी। यानी आप कह सकते हैं कि ललन सिंह की विधिवत रूप से ताजपोशी आगामी 29 अगस्त को होगी और उसके बाद वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करेंगे और फिर उस बैठक में ही पार्टी के अगले कार्यक्रम की रणनीति बनेगी। ललन सिंह पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे कि पार्टी अब आने वाले समय में अगर जिस तरह से ललन सिंह ने घोषणा की है कि पार्टी को हम नंबर वन बनाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी के पास क्या रणनीति है उस रणनीति को लेकर के ऐलान करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी और यही वजह है कि इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता तो शामिल होंगे ही, पार्टी के जिला अध्यक्ष और पार्टी के ऐसे पदाधिकारी भी शामिल होंगे जो पार्टी की रीढ़ माने जाते हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो 29 अगस्त को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे पटना से, जहां जिला परिषद के अध्यक्ष धरने पर बैठे हैं। जिला परिषद के सदस्यों के साथ धरने पर बैठे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पर आरोप है। वहीं विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगा है। वहीं घोटाले की भी जांच की मांग की जा रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर पटना से, जहां जिला परिषद के अध्यक्ष धरने पर बैठे हैं। जिला परिषद के सदस्यों के साथ धरने पर बैठे जहां मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पर आरोप है कि विकास कार्य में बाधा डालने को लेकर ये आरोप है और घोटाले की भी जांच की मांग की जा रही है। तो समाज घोटाले की जांच की मांग को लेकर जिला परिषद के जो अध्यक्ष है वो धरने पर बैठे हैं। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब अल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फोन पे मरगूब, किन मांगों को लेकर जिला परिषद के जो अध्यक्ष है वो धरने पर बैठे हैं? देखिए, ये जो विवाद है बहुत पुराना विवाद है और पिछले 1.5 साल से ये विवाद चल रहा है। अभी जो बांका के जिलाधिकारी हैं और उस समय पटना के डीडीसी थे, उनसे ये विवाद चल रहा है, अंजू देवी का, जिला परिषद के अध्यक्ष का। और अब इन लोग का कहना है कि कल एक बैठक हुई थी, उस साधारण बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए लेकिन उस प्रस्ताव को डीडीसी ने मांगने से इनकार कर दिया और पंचायत अधिनियम का उन्होंने उल्लंघन किया। साथ ही इनका कहना है कि 15वें वित्त आयोग के दौरान जो 7 करोड़ से ज्यादा राशि निकाली गई, बंदरबाट किया गया, उसकी जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है? लगातार ये लोग कह रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाए, उसमें डीडीसी के अलावा और कई लोग शामिल हैं, इनका ये आरोप है। इसको लेकर के ये लोग वहां अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष अगर धरना पर बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि हो क्या रहा है। फिलहाल इन लोग का कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे, प्रशासन को। पटना जिला में, बिहार का राजधानी है पटना जिला, लेकिन पटना जिला जिला परिषद में 2 साल से तत्कालीन और वर्तमान दोनों ने तानाशाही रवैया कर दिए हैं और पटना जिला परिषद को बर्बाद कर दिए हैं। और कल बैठक हुई, साधारण बैठक हुई हम लोगों का जिला परिषद का कृष्ण मेमोरियल हॉल में, सब कुछ पारित हो गया। जैसे सदन निर्णय लेता है, सदन बहुमत से चलती है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, आप लोग भी जानते हैं लोकतंत्र में कि सदन बहुमत की आधार पर चलती है, लेकिन उन्होंने बहुमत को आधार को मानने से इनकार किया। 51 सदस्य उपस्थित हैं और 35 सदस्य ने साइन करके हमको डीडीसी को दिए। हमने इसको भी इनकार कर दिया लिखित को, हमने बोले आप वोटिंग करवा लीजिए, वोटिंग भी नहीं करवाएं।
जिला जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को और उपाध्यक्ष को कहना है कि जो 4-2 का जो 2020 में बैठक हुआ है, 7 करोड़ 15 लाख का जो घोटाला हुआ है, उस पर आप अध्यक्ष सहमति बना दीजिए। मैंने 1000 बार सदन में 1000 बार चर्चा की है, आज 17-18 महीना होने जा रहा है, लेकिन आज तक एक भी हमारे पास कागजात 4-2 के बैठक से संबंधित मांगते डीडीसी से, जो वर्तमान डीडीसी हैं, मांगते थक चुके हैं अपना लेटर पैड से, मौखिक से, लेकिन आज तक एक भी संचिका। हम लोग आगे धरना पर बैठे हुए हैं, हम यही चाहते हैं कि जो जिला परिषद का जो नियम कानून है, पंचायती राज धारा है, जो त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था है, उसका जो अधिकार मिला है, उस नियम के तहत विकास हो। हम लोगों हाँ तो बिल्कुल, अगर जिला परिषद के अध्यक्ष अगर धरने पर बैठे तो एक ने आप में अपने आप में एक ये बड़ा सवाल है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अमर को। इसके साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।